गुड इवनिंग। इस एपिसोड में क्लास 9 साइंस के टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके तीसरे एपिसोड में, तीसरे पार्ट में। सबसे पहले दूसरे पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और दो क्वेश्चंस जो है वो बचा हुआ था। पहला है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब 273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 केल्विन। आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट हैज गॉट लेस एनर्जी कंटेंट देन वाटर, यानी वाटर के तुलना में इसका एनर्जी का कंटेंट कम होगा, तो इसके पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, तो ये आसानी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो इट विल ब्रिंग अबाउट कूलिंग सेंसेशन। यानी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, और सराउंडिंग वाला पार्ट जो है वो कूल हो जाएगा, इसलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट जो है वाटर से ज्यादा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब देखिए, ये लिक्विड के फेज में है और ये गैस के फेज में है, तो गैस का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए गैस में अधिक एनर्जी का कंटेंट होगा, ये अधिक हीट को प्रोसेस करेगा, इसके कारण इसका बर्निंग सेंसेशन ज्यादा सीवियर होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग आते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो तीन कॉमन स्टेट्स हैं मैटर के। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। इनके प्रॉपर्टी के डिफरेंस को हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में पढ़ा। सॉलिड के पार्टिकल के बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स बहुत मजबूत है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, यानी सॉलिड के पार्टिकल जो है क्लोजली प्लेस्ड हैं, यानी पार्टिकल के बीच में नेग्लिजिबल गैस है, ये सॉलिड हो गया। लिक्विड के पार्टिकल का इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कमजोर है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन ये पार्टिकल बहुत ज्यादा दूरी पे होंगे जब गैस की परिकल्पना करेंगे। प्रेशर डाल करके इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये नॉन कंप्रेसिबल है, ये भी ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल है, लेकिन गैस आसानी से कंप्रेस्ड होंगे। गैस में डिफ्यूज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में, और सॉलिड में चूंकि गैप्स बहुत छोटे हैं तो इंटरमिक्स करने की टेंडेंसी इसमें कम होगी। इसके अलावा जो सॉलिड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड के लिए वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप उसका डेफिनेट नहीं है, वो कंटेनर के शेप को अडॉप्ट करेगा, और गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए हमको स्टेट का चेंज करना है, और अगर स्टेट के चेंज की बात करें सॉलिड लिक्विड और गैस, तो चूंकि सॉलिड से ज्यादा एनर्जी है लिक्विड के पास, तो सॉलिड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड की एनर्जी कम होती है गैस से, और अधिक एनर्जी का मतलब आपको हाईर टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में, और लिक्विड फर्दर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हम प्रेशर की बात करें तो जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो उस केस में जो है प्रेशर बढ़ाने के बाद टेंडेंसी अपोजिट हो जाएगी, यानी अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड वाला पार्ट गैस में कन्वर्ट हो तो उस केस में प्रेशर को लो करना पड़ेगा, तो लो प्रेशर चाहिए, और यहाँ भी नॉर्मली लो प्रेशर चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो इंक्रीज करता है, दे बिगन टू वाइब्रेट विथ अ हायर एनर्जी, देयर फोर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट डिक्रीजेस, तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो है वो इंक्रीज करेगा, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग
फ्रीली। इस फ्रीली मूवमेंट के कारण जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज होता है, सॉलिड का कन्वर्सन हो जाएगा लिक्विड वाले पार्ट में, और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में या वेपर में। यानी स्टेट के चेंज को अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से सोचें, तो जब सॉलिड का कन्वर्सन होना है लिक्विड के फेज में, तो फॉर दिस पर्पस वी आर नीडिंग हायर टेम्परेचर, और जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद, अब आप अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर से आपको हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है। हाई टेम्परेचर अप्लाई करने का मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा और यहां भी हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन इसी का अगर रिवर्स प्रोसेस आपको करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में हीट रिलीज होगी और लो टेम्परेचर नीडेड होगा। और उसी तरह से अगर लिक्विड वाले पार्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में भी हीट को रिलीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो होगा, काइनेटिक एनर्जी डाउन होगा, डिक्रीज करेगी। तो ये फेज ट्रांजिशन का कुछ जनरलाइजेशन था। अब हम लोग जब फेज ट्रांजिशन की बात करेंगे, तो कोई भी फेज ट्रांजिशन का मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट ना करना। तो ये जो फेज ट्रांजिशन है वो एक फिक्स्ड प्रेशर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। अगर हमने प्रेशर को 1 atm पे फिक्स कर दिया, तो उस केस में जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड पे होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। उसी तरह से 1 atm प्रेशर पे जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है उसको हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। अगर ये सिस्टम H2O का सिस्टम है, यानी आइस वाटर और वाटर के वेपर का जिक्र करेंगे, तो ऐसे केस में इस सिस्टम के लिए आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फेज ट्रांजिशन के समय टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वेपर कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये फेज ट्रांजिशन के समय टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन हीट में जो रिलीज होना है या हीट जो एब्जॉर्ब होता है, वो फिजिकल स्टेट को चेंज करने के काम में, पार्टिकल के डिस्टेंस को कम ज्यादा करने के काम में, फोर्सेस को मजबूत और कमजोर करने के काम में आती है। तो यहां हमने डिफाइन किया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज एट दिस टेम्परेचर सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यानी सॉलिड और लिक्विड के स्टेट जो है साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट में बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द गैस फेज फ्रॉम द लिक्विड फेज। दिस हैपेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, और जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था आइस के लिए, तो सेल्सियस स्केल वाज इनफैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विड वाटर एंड वेपर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस मेल्टिंग पॉइंट वाज कॉल्ड एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ऑन दिस बेसिस सेल्सियस स्केल वाज डिजाइंड। व्हेन दिस लोअर लिमिट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर लिमिट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट, एंड ईच पार्ट करस्पॉन्ड टू टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ
गो थ्रू द सब्लिमेशन। ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू गैस फेज विदाउट द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड फेज। व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। एंड द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन, सॉलिड अंडरगोइंग, सॉलिड अंडरगोइंग सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज सब्लिमेट, इज कॉल्ड एज सब्लिमेट। एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन सब्लिमेट्स आर, वन इज नेफ्थलीन, वन इज नेफ्थलीन, अदर वन इज अमोनियम क्लोराइड, अदर वन इज कैम्फर। तो दीज आर कॉमन सब्लिमेट्स जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट। अब कुछ लोगों को ये आश्चर्य लगेगा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड में बदले हुए तो उसको सब्लिमेशन टेम्परेचर कह रहे हैं, और सब्लिमेशन टेम्परेचर कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से कम है। तो इसको ऐसे सोचिए, अगर सब्लिमेशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता तो सॉलिड पहले मेल्ट कर जाता क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका पहले आया है, और उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता, यानी जो भी सब्लिमेट्स होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। यही कारण है कि आप नेफ्थलीन के बॉल्स को यूज करते हैं अपने उलेन गारमेंट्स के साथ, ट्रंक में अपने गारमेंट्स के साथ नेफ्थलीन के बॉल्स रख दिए, चूंकि वो सब्लिमेट है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसको वो रिपेल करता है, तो हमारे कपड़ों को उनसे वो प्रोटेक्ट करने में मदद देता है, वो रिपेलेंट है, मॉथ रिपेलेंट है वो। तो इस तरह से जो सब्लिमेशन टेम्परेचर होगा वो कम होगा मेल्टिंग पॉइंट से। अब हम लोग चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी प्रेशर के चेंज का मैटर के स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं, मान ले कि ये पार्टिकल किसी स्टेट में है, पार्टिकल के बीच की दूरी ज्यादा है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पे आपने प्रेशर को अप्लाई किया, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा और पार्टिकल नीचे नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो कम हो जाएगा, और जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस केस में फिजिकल स्टेट कम होगा, और जब पार्टिकल की दूरी ज्यादा होती है यानी मैक्सिमम दूरी के साथ अगर वो गैस है तो प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल को और नजदीक ले आएंगे, और नजदीक जब पार्टिकल को ले आएंगे तो अब वो पार्टिकल जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जब पार्टिकल की दूरी बहुत ज्यादा है तो ये गैस है, जब दूरी इंटरमीडिएटरी है तो ये लिक्विड है, गैस से बदलना है लिक्विड में तो आपको बाहर से हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और लिक्विड को भी जब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हाई प्रेशर नीडेड है। यानी प्रेशर का एप्लीकेशन ये हो गया कि जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है हायर प्रेशर जो है वो मूव करेगा, गैस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा सॉलिड में। यहां देखिए फेज ट्रांजिशन को दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये देखिए सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट है जिसमें पार्टिकल्स जो है बहुत नजदीक नजदीक हैं, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्टेंस इंटरमीडिएटरी है और यहाँ पार्टिकल्स बहुत दूरी पे है, तो ये गैस हो गया लिक्विड और सॉलिड, इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे मजबूत, इसमें सबसे कमजोर, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम, इसमें सबसे ज्यादा। अब देखिए यहाँ सॉलिड को दिखाया है, ये लिक्विड का फेस है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस है मेल्टिंग का, और जब आपने
लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो ये प्रोसेस हो गया फ्रीजिंग का। उसी तरह से जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली गैस में तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कह रहे हैं, और जब कन्वर्सन हो रहा है गैस का सॉलिड में तो इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। उसी तरह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो इवेपोरेशन कहलाएगा, और वेपर जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने क्वेश्चन विंडो पे आते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जब आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो इस केस में ये वाटर यानी लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो फिजिकल स्टेट लिक्विड हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर पे आइस और वाटर जो है 180 प्रेशर पे को एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके फिजिकल स्टेट में आप सॉलिड एंड लिक्विड बोथ लिखेंगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर और वाटर के वेपर का इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में लिक्विड और गैस या लिक्विड और वेपर फेज ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी ये बता रहा है कि नेप्थलिन का बॉल जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, यानी लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं होगा और वेपर के रूप में वो सबलाइम करके डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि नेफ्थलीन एक सब्लिमेट है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीडिंग सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, परफ्यूम ये गैस है, और चूंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसके कारण पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से फार अपार्ट बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं, और स्पेस ज्यादा होने के कारण फोर्स कमजोर होने के कारण पार्टिकल्स जो है दे कैन स्प्रेड थ्रू आउट द एरिया विच इज मेड अवेलेबल टू देम, यानी जितना एरिया आप प्रोवाइड करेंगे उस पूरे एरिया में परफ्यूम का स्मेल जो है वो फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। और आगे द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड एज, एक बार रिकॉल करके देखिए। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। जब लिक्विड का कन्वर्सन होगा सॉलिड में तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाएगा। अब अगर लिक्विड का पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी लिक्विड का कन्वर्सन हो जाए वेपर में, तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन, और जब वेपर वापस लिक्विड में आता है तब इसको कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक उसी तरह से जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन, यानी इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और जब वेपर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। यानी यहां जो मेंशन किया है सॉलिड को डायरेक्टली ले जाना है वेपर में, यानी इस पॉइंट की बात करेंगे, और ये प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। तो नेक्स्ट में देखिए, द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज सब्लिमेट, और इनमें से पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल मेंशन किया था, नेफ्थलीन एक सब्लिमेट है। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इंटू लिक्विड, यानी आप चाह रहे हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब देखिए एनर्जी के हिसाब से गैस के पास मोर एनर्जी है, आपको लेस एनर्जी में डालना है। इसका पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंटर पार्टिकल स्पेसिंग ज्यादा है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल जो है वो वेरी लार्ज है, और यहाँ
रिलेटिवली स्मॉल स्पेसिंग है, तो हम चाहते हैं कि पार्टिकल नजदीक आए, उसकी एनर्जी कम हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको लो डाउन करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन है, मीन्स इस टेम्परेचर पे यहाँ आएगा। और ये आखिरी सवाल आपके बोर्ड पे डिस्प्ले है, ए बी सी डी ई एफ, इन प्रोसेसों को डायग्राम में हमने शो किया है। तो ये किस तरह से, यानी कौन सा स्टेट का चेंज हो रहा है, वो आपको शो करना है इस डायग्राम की मदद से। इस क्वेश्चन को आपके हिस्से छोड़ते हुए मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूँ, और कल इसी समय हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक के पार्ट 4 के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।